एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम दोस्तों। ये विंडो एसी है और इसका कूलिंग कॉइल बहुत ज़्यादा लीकेज है, ठीक है। तो मैं इसको रिपेयरिंग करूंगा और सर्विस करूंगा और गैस डालूंगा, सब कुछ मैं कंप्लीट दिखाऊंगा आप सभी को। तो वीडियो अच्छा, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग सपोर्ट करो मुझे, ठीक है। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि ये लीकेज कितना ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ये यू बैंड, देखो यहाँ पे कूलिंग कॉइल का यू बैंड, और यहाँ पे दोस्तों देखो ये ऊपर में दो लीकेज है, फिर यहाँ पे तीसरा ये लीकेज है, ठीक है। चौथा लीकेज दिखाता हूँ आप सभी को, ये देखो इस कोने में ये चौथा लीकेज आप लोगों को दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखो ये दोनों यू बैंड लीकेज है, तो दोनों लीकेज है, छः लीकेज है, एक और लीकेज है ऊपर साइड में, ठीक है। देखो ये अगर दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो सात को लीकेज हुआ। अब मैं दिखाता हूँ आप सभी को कंडेंसर में, इधर लीकेज दिखाता हूँ कितना ज़्यादा लीकेज है। तो एक लीकेज ये हुआ, आठ को लीकेज हुआ। अब एक लीकेज और दिखाता हूँ यहाँ से कि यहाँ पे देखो नौ का लीकेज हुआ, एक लीकेज यहाँ पे नीचे में। अब मैं एक और लीकेज दो और लीकेज दिखाता हूँ। तो सात दो नौ हुआ, नौ के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो दोस्तों ये सेक्शन वाला पाइप में लीकेज है, नहीं कैपिलरी वाला पाइप में लीकेज है, कैपिलरी एक सेक्शन वाले में। तो देखो ये दस हुआ, ये देखो नीचे साइड में ये ग्यारह लीकेज हुआ। तो आप लोग क्या लगता है, मैं कूलिंग कॉइल चेंज करूँगा नहीं करूँगा? कस्टमर ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि कूलिंग कॉइल को रिपेयर कर दो क्योंकि ठंडी आने वाला एक महीने में, तो एक महीना कैसे भी चला दो। तो मैं पूरा को यू बैंड, जितना भी यू बैंड दिख रहा है आपको, पूरा रिपेयर किया। आप रिवर्स करके ना कैमरा देख भी सकते हो कि पहले पूरा मैं रिपेयरिंग नहीं था, लेकिन इस बार मैंने पूरा यू बैंड कूलिंग कॉइल का रिपेयर कर दिया। फिर कंडेंसर में दो जगह पर लीकेज था तो मैं दो ही जगह पर रिपेयरिंग किया, लेकिन जो कूलिंग कॉइल था पूरा यू बैंड ऊपर से लेकर नीचे तक रिपेयर किया, ठीक है। अब कंडेंसर भी चेक करा दिया, सबको रिपेयर करने के बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ। रिपेयर मैंने किया है एलपीजी कैन से, जो कि बड़ी आसानी से हो जाता है। देखो कंडेंसर भी बिल्कुल सही है, प्रेशर डालने के बाद मैं लीकेज दिखा रहा हूँ आप सभी को कि कहीं भी लीकेज नहीं, मैंने रिपेयर कर दिया सबको, कंडेंसर को भी कर दिया। अब ये कूलिंग कॉइल बच गया था, कूलिंग कॉइल देखो यहाँ से, तो कूलिंग कॉइल का दिखा दिया हूँ कि कूलिंग कॉइल सही है। ये कंडेंसर में ऊपर लीकेज था और नीचे में लीकेज था, तो दोनों को मैंने रिपेयर कर दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम इसका करेंगे दोस्तों सर्विस करेंगे। देखो सर्विस एक नंबर में करूँगा, कितना अच्छा करूँगा आप लोग देख लेना खुद ही यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये एसी है, अब इस पूरे को मैं सर्विस करूँगा। देखो यहाँ पे एसी जब खुला रहेगा ना ऐसे, तब आप लोग सर्विस करोगे ना तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्विस होता है। तो देखो यहाँ पे अब इसमें हम क्या करेंगे, फोम लगा लेंगे। फोम को ना कम से कम 5-10 मिनट तक मैं मतलब पूरा ये कूलिंग कॉइल में घुल जाए, यानी कि इसका जो डस्ट होगा ना पूरा मेल्ट हो जाएगा ना, तब जा करके मैं इस पर गन दिखाऊँगा। फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं कंडेंसर को साफ़ करता हूँ। तो पूरा कंडेंसर को मैं बढ़िया तरीके से क्लीन कर लूँगा। मोटर में ना पलोथीन या कुछ लगा दे कवर वगैरह, ताकि मोटर में पानी ना जाए और मोटर ख़राब ना हो, वरना कस्टमर का पैसा नुकसान हो सकता है। तो मैंने कवर लगा दिया इसके ऊपर, मोटर में पानी नहीं जाएगा। अब इसमें जो ब्लोअर होता है दोस्तों, जो फुल ब्लोअर से हवा निकलता है, ब्लोअर में बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, तो ब्लोअर को अच्छे से क्लीन कर लेना। फोम में ना कोई यानी कि वेल्डिंग रॉड से सुराख कर देना, ताकि पानी ना पूरा नीचे से निकल जाए। देखो कितना ज़्यादा गंदा है। अब इसका हम ये क्या बोलते हैं, ये साफ़ कर लेंगे कूलिंग कॉइल को, क्योंकि इसका जो मैं वो लगाया था फोम वो मेल्ट हो चुका है कूलिंग कॉइल में। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, मैंने ब्लोअर को कितना अच्छे से क्लीन किया है, और फैन ब्लेड को भी किया है, कंडेंसर साइड वाला और कूलिंग कॉइल साइड वाला भी ब्लोअर को मैंने अच्छे से क्लीन किया है। पूरा गंदगी था उसमें भरा हुआ, स्मेल आ रहा था गंदगी। आप देखो दोस्तों कूलिंग कॉइल पे मैंने फोम लगाया था, उसको भी क्लीन किया, कंडेंसर को अच्छे से क्लीन किया। तो इस तरह से सर्विस करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सर्विस होता है, नेक्स्ट लेवल।
तो देखो दोस्तों, पूरा एसीयू क्लीन कर लिया मैंने, एसीयू खड़ा करके कवर वगैरह सब कुछ लगा करके, फ्रंट कवर लगा करके मैं पूरा एसी को एकदम क्लीन कर दिया हूँ। आप जितना भी गंदगी फैला हुआ था पूरा गंदगी को मैं वहाँ से साइड करके साइड में लगा दूँगा, फिर गैस चार्जिंग करूँगा। तो देखो दोस्तों, मैं ये यहाँ पे अब ले आया हूँ पॉइंट के पास, सर्किट के पास। अब यहाँ पे मैं गैस चार्जिंग करूँगा। इसमें 22 नंबर गैस है और 22 नंबर का जो रनिंग प्रेशर रहेगा वो 60 रहेगा, स्टैंडिंग 150 रहेगा और डिस्चार्ज प्रेशर रहेगा 280 या 300 रहेगा, समझिए ना। तो देखो यहाँ गैस डाल रहे हैं हम लोग, और फिर गैस डालने कुछ गैस डालने के बाद एसी को हम स्टार्ट करेंगे। तो 22 नंबर गैस है इसमें। एक चीज़ तो ज़रूर है दोस्तों, सर्विस मैंने बहुत ही अच्छा किया है और आप लोग भी ना सेम ऐसा ही सर्विस करें। आप देखो दोस्तों, एसी को स्टार्ट कर दिया, देखो यहाँ पंखा चल रहा है और पंखा चल रहा है बिल्कुल। तो इसमें हम गैस डाल रहे हैं और एसी का कंप्रेसर भी चल चुका है, और इसका जो डिस्प्ले बिलिंग कर रहा था वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कैमरा में आ रहा है, वैसे रियल में कर नहीं रहा है वो। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे वो जो होता है कैपिलरी में आइस आएगा, जैसे ही आइस जाएगा वैसे ही गैस कम्प्लीट होगा। देखो आइस भर गया है कैपिलरी में, जैसे ही एक कैपिलरी का आइस जाएगा यानी कि एसी में गैस कंप्लीट हो गया, थोड़ा मोड़ा गैस और बढ़ा देंगे ठीक है, और फिर बंद कर देंगे एसी को, कैबिनेट में डाल देंगे जहाँ से निकाला था। तो देखो दोस्तों, ये अभी चल रहा है एसी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें कितना गैस गया अभी रनिंग प्रेशर। तो ये थोड़ा दोबारा डाला गया है, देखो ये लगभग अभी रोकते हैं फिर दिखाते हैं आप सभी को। तो देखो जैसे ही आइस जाएगा यहाँ से, देखो आइस जा रहा है ठीक है, अभी गया नहीं है, पर जैसे ही आइस जाएगा वैसे ही समझ लो कि गैस इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखो आइस पूरा गया ठीक है, तो पूरा गया आइस, थोड़ा मोड़ा और गैस डाल देंगे हम। देखो यहाँ पर कितना प्रेशर है, 50 PSI बैक प्रेशर हो गया यानी कि रनिंग प्रेशर। अब गैस थोड़ा मोड़ा और बढ़ा देंगे। तो देखो दोस्तों, गैस कंप्लीट कर दिया मैंने सब कुछ, अब चलिए जहाँ से निकाला था वहाँ पे हम ले जा करके रख देते हैं। इसी को हमने बंद कर दिया है, तो चलो अब इसको जहाँ से निकाले थे वहाँ पे ले जा करके लगा देते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों, और यहाँ पर कूलिंग भी बढ़िया कर रहा है, मैंने AC लगा दिया। थैंक यू सो मच, बाय।